शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सचमुच होने वाली, वो सचमुच होने वाली क्या है और तुमको क्या मालूम है कि वो सचमुच होने वाली क्या है? वही खड़खड़ाने वाली जिसको समूद और आद दोनों ने झुटलाया। सो समूद तो जबरदस्त जलजले से हलाक कर दिए गए, रहे आद तो उनको निहायत जोरदार आंधी से तबाह कर दिया गया। अल्लाह ने उसको 7 रात और 8 दिन उन पर चलाए रखा। तो ऐ मुखातब, तू उन लोगों को उसमें इस तरह गिरे हुए देखता जैसे खजूरों के खोखले तने, फिर क्या तू उनमें से किसी को भी बाकी देखता है? और फिरौन और जो लोग उससे पहले थे और वो जो उल्टी हुई बस्तियों वाले थे, सब गुनाह के काम करते थे। सो उन्होंने अपने परवरदिगार के पैगंबर की नाफरमानी की तो अल्लाह ने भी उनको बड़ा सख्त पकड़ा। जब पानी तुगयानी पर आया तो हमने तुम लोगों को कश्ती में सवार कर लिया ताकि उसको तुम्हारे लिए यादगार बनाएं और याद रखने वाले कान उसे याद रखें। फिर जब सूर में एक बार फूंक मार दी जाएगी और जमीन और पहाड़ दोनों उठा लिए जाएंगे, फिर एक बार ही तोड़फोड़ कर बराबर कर दिए जाएंगे, तो उस रोज हो पड़ने वाली यानी कयामत हो पड़ेगी और आसमान फट जाएगा तो वो उस दिन कमजोर होगा और फरिश्ते उसके किनारों पर होंगे और तुम्हारे परवरदिगार के अर्श को उस रोज 8 फरिश्ते अपने ऊपर उठाए होंगे। उस रोज तुम लोग सब पेश किए जाओगे इस तरह कि तुम्हारी कोई पोशीदा बात छुपी न रहेगी। अब जिसका आमाल नामा उसके दाहने हाथ में दिया जाएगा, वो दूसरों से कहेगा कि लीजिए मेरा नामा या आमाल पढ़िए, मुझे यकीन था कि मुझको मेरा हिसाब किताब जरूर मिलेगा। बस वो शख्स मन माने ऐश में होगा यानी ऊंचे बाग में जिसके मेवे झुके हुए होंगे। उनसे कहा जाएगा कि जो आमाल तुम अय्यामे गुज़श्ता में आगे भेज चुके हो उनके इवज मजे से खाओ और पियो। और जिसका नामाए आमाल उसके बाई हाथ में दिया जाएगा तो वो कहेगा, ऐ काश मुझको मेरा आमाल नामा न दिया जाता और मुझे मालूम न होता कि मेरा हिसाब क्या है। ऐ काश मौत मेरा काम तमाम कर चुकी होती, आज मेरा माल मेरे कुछ भी काम ना आया, मुझसे मेरा इख्तदार जाता रहा। हुक्म होगा कि इसे पकड़ लो, अब इसे तौक पहना दो, फिर दोजख की आग में इसे झोंक दो, फिर जंजीर से जिसकी लंबाई 70 गज है जकड़ दो। ये न तो अल्लाह अजमत वाले पर ईमान लाता था और न फकीर के खाना खिलाने की तरगीब देता था, सो आज इसका भी यहां कोई दोस्त नहीं और न इसके लिए कोई खाना है सिवाय जख्मों के धोवन के, जिसको गुनाहगारों के सिवा कोई नहीं खाएगा। सो मैं उन चीजों की कसम खाता हूं जो तुमको नजर आती हैं और उनकी जो तुम्हें नजर नहीं आती, कि ये कुरान एक मुअज्जज फरिश्ते का पहुंचाया हुआ कलाम है और ये किसी शायर का कलाम नहीं, मगर तुम लोग बहुत ही कम ईमान लाते हो। और न किसी काहिन का कौल है, लेकिन तुम लोग बहुत ही कम गौर व फिक्र करते हो। ये रब्बुल आलमीन का उतारा हुआ है। और अगर ये पैगंबर हमारी निस्बत कोई बात झूठ बना लाते तो हम इनका दाहना हाथ पकड़ लेते, फिर इनकी रगे गर्दन काट डालते, फिर तुम में से कोई हमें इससे रोकने वाला ना होता। और ये किताब तो परहेजगारों के लिए नसीहत है और हम जानते हैं कि तुम में से बाज इसको झुटलाने वाले हैं। नीज ये काफिरों के लिए मूजिब हसरत है और कुछ शक नहीं कि ये यकीन करने के लायक है। सो तुम अपने परवरदिगार आजीम के नाम की तस्बीह करते रहो।